दुनिया में एक कराची है, लेकिन कराची में ढेरों दुनियाएं आबाद हैं। इस शहर में करोड़ों लोग बसते हैं, वैसे ही ये शहर करोड़ों दिलों में बसता है। एक दफ़ा एक बिरयानी वाले ने अहमद नकवी के आर्टिकल में एक बात कही थी कि कराची जिद्दत का शहर है। जिद्दत मतलब इनोवेशन, और कराची की इनोवेशन सिर्फ खानों तक महदूद नहीं है। यहाँ की इनोवेशन, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ की कहानियों में भी है। और वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर इरफान जुनेजो कहते हैं कि कराची की कहानी सुनाने के लिए तो 3 घंटे की फिल्म भी कम पड़े, लेकिन कराची की हर गली हर सड़क की अपनी ही कहानी है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द सिटी ऑफ लाइट कराची। रात हम गए थे खाना खाने, स्टोव क्लब था शायद, तो कराची बॉयज ने कहा कि मोबाइल्स पर घर रख के जाएं क्योंकि कभी भी वारदात हो सकती है। तो उधर का खाना खाया हमने रात 2 बजे। तो ब्रो सुबह उठ चुके हैं, अब चलते हैं कराची को एक्सप्लोर करने। अलासिफ स्क्वायर के करीब स्टे था हमारा। प्लान्स बनाते रहे कि कराची फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर करनी है। कराची बॉयज़ ने बहुत सारी प्लेसेस रिकमेंड की और काफ़ी प्लेसेस हम इंस्टाग्राम से भी देख के आए हुए थे, लेकिन वक्त बहुत कम और मुकाबला सख्त है। गूगल मैप से रहनुमाई लेते रहे, लेकिन रास्ते में कोई भी फेमस प्लेस आती जाएगी तो उसको भी एक्सप्लोर करना लाजमी है। जैसे सबसे पहले लकी वन मॉल। ब्रो हम पहुंच गए लकी वन मॉल पे, भूख से हमारा हाल ख़राब है। हम उठे थे तकरीबन 8 बजे, 8 बजे से प्लानिंग हो रही है कि इधर जाना, लेकिन सारी प्लानिंग हो गई फेल। तो 1 बज चुके हैं, एक हफ्ते की प्लानिंग बन रही है, घर से नहीं निकल रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे आए तो सारा प्लानिंग चेंज हो गया। 12:30 बजे तक टाइम ऐसे वेस्ट किया है सिर्फ प्लानिंग करने में। अब भूख भी लगी है, कराची आए और कराची बिरयानी नहीं खाई तो भैया कराची आए ही क्यों। हमारा गुजर हुआ पापोश नगर से। फारसी में पापोश को जूता कहते हैं। आप कराची वालों के सामने कोई अजीब सी बात कर दोगे तो उनका जवाब होगा, ए भाई होश में या पापोश में। सबसे पहले तो भाई को गाजी सबसे जोरदार तालियां भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और जल्द से डेली बिरयानी लगते बच्चे लो मर की मौसम ठंडा तेरा बरसात यहां पर बारी वाला हमेशा आपको 12 महीने गरम मिलेगी और जल्द से डेली बिरयानी ये मोहब्बत लगता है कि भाई और उनकी देसी गोश्त डेली बिरयानी में। तो मिलकर मेरे साथ नारे का जवाब, नारे ये लियाकताबाद की मशहूर नली बिरयानी नहीं है, ये स्टीव जॉब्स का एक कॉल है। नली बिरयानी, हमें किसी से बेहतर नहीं बनना, हमें बस सबसे अलग बनना है, और उसकी बेहतरीन मिसाल है गौसिया नली बिरयानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, होसिया नली बिरयानी और होसिया नली दम पुलाव मक्खन आला माँ की ममता मोहब्बत प्यार और मक्खन के साथ। ब्रो ये था सीन घोसिया बिरयानी। बिरयानी के बाद कुछ मीठा खाने का दिल गया तो हम चले दिल्ली रबड़ी हाउस। घोसिया बिरयानी खाने के बाद हम आए हैं दिल्ली रबड़ी हाउस पे, आलमगीर रोड दिल्ली रबड़ी हाउस। 4 बंदे और एक रबड़ी। ब्रो हम बस टेस्ट करने आए थे ना ब्रो। बानिए पाकिस्तान कैद आज़म के शहर में आए हुए हैं तो उनके मज़ार पे तो फातह पढ़ने जाना ही है, जो कि नुमाइश चुरंगी के करीब है। चुरंगी मतलब राउंड अबाउट और नुमाइश मतलब एग्जीबिशन। भैया जी हम पहुंच गए हैं मज़ार इकाइद पे। नोटों वाले बाबा को तो रोज़ हर कोई सलाम करता है, आज हम भी सलामी पेश कर रहे हैं सर। ब्रो धूप इतना ज़्यादा है ना, सब कुछ झुलस गया भाई। तो मज़ारे कहे थे ब्रो, हाजिरी दे दी। फरवरी में इतना ज़्यादा धूप, भाई मार्च आ गया ब्रो, बस एक दिन के बाद मार्च। किताबों में पढ़ा करते थे कि कराची का मौसम बहुत दिल रहता है, आज एक्सपीरियंस भी कर रहे थे। फरवरी में गर्मी, इंटरेस्टिंग।
और पहुंचे हम कराची की अलमारूफ बंस रोड पे गर्मी से मुकाबला करने। कराची की फेमस बंस रोड पे न्यू पंजाब लस्सी। बंस रोड का नाम स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स बंस के नाम पे रखा गया और कराची में खानों की बात हो तो हर कोई एक ही जगह का नाम लेगा, बंस रोड। इस जगह की बिल्डिंग्स की ओल्ड विंटेज वाइब्स आ रही थी और साथ में आसमान भी अपनी खूबसूरती जमाए हुए था। कराची के लिए लोगों में बहुत से गलत ख्यालात हैं, यहाँ पर चोरी होती है, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह वगैरह, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। बट कराची इज़ द सिटी ऑफ पीस, यहाँ पर वारदातें ना ब्रो। ब्रो कराची के घूमने का हमने ठेका ले लिया, एक दिन में होता नहीं है। फ्रेडरी हॉल इज़ वन ऑफ द एलिगेंट लैंडमार्क ऑफ कराची, जिसकी खूबसूरती इसकी बिल्डिंग के तामीर से झलक रही थी। अंग्रेजों का ज़माने का ये है। यहाँ पे हमने अंग्रेज भी देखे हैं और अपने व्लॉग में लेते हैं और व्यूज हासिल करेंगे इनको देखे ना। हम गोरियों को लेकर व्यूज हासिल नहीं करते। इधर तो सारी जहाज भी इतना नीचे है, ये जा रहा सामने, एक ये जहाज है और एक ये जहाज। अल आसिफ स्क्वायर से जो कराची का एक हिस्सा है वहाँ से चले थे और पहुँचे कराची के इलीट साइड पे, द क्लिफ्टन ऑफ कराची। ब्रो कराची की खूबसूरती और सफाई में 10 times इजाफा हो गया था। भैया जी कराची की सारी रोड्स एक्सप्लोर करनी है, तकरीबन पूरा दिन हमने लगा दिया कराची को एक्सप्लोर करने में। ये है सामने 3 फुलवार, तो अभी हम जा रहे हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में। आसमान को छूती हुई बिल्डिंग्स, बहरिया आइकन टावर, द स्काई स्क्रैपर ऑफ कराची। उसके पास ही अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार था तो सोचा यहाँ भी फातिहा पढ़ के अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो, डॉलमिन मॉल। एक गल है लाहौर लाहौर है, लाहौर की गल हो रहा है। नहीं भाई कराची तो कराची हो गया, लाहौर में इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको किधर मिलेगी? ये चेक करो ब्रो, कभी देखी अपनी लाहौर में इतनी बड़ी बिल्डिंग? भाई लाहौर में जो है ना एम्पोरियम मॉल आपने देखा है, इससे बड़ा है। आप तो कराची वाले बन गए, कराची में आके आप तो पंजाबी थे अभी। खैर ब्रो हम आ चुके हैं डॉलमिन मॉल पे, अपने असली औकात पे आ जाते हैं। तो अंदर के सीन सो वी आर हियर, वी आर गोइंग टू डॉलमिन मॉल फॉर सम शॉपिंग, यू नो वी आर गोइंग टू बाय सम स्नीकर्स फ्रॉम नाइकी फ्रॉम गुची एंड अरमानी। व्हाट इज द कलर ऑफ योर बुगाटी ब्रो? आई हैव अ वाइट कलर ब्रो, आई डोंट लाइक एनी अदर कलर यू नो। सर जी डॉलमिन मॉल भी हो गया, अब अगला स्टॉप है हमारा दो दरिया। दो दरिया मतलब दो दरिया, क्योंकि इस जगह के दोनों साइड्स पे दरिया हैं इसलिए दो दरिया। और यहाँ की फूड स्ट्रीट काफ़ी फेमस है, जिनमें कोलाची, द स्पिरिट ऑफ कराची,
कराची का पुराना नाम भी कोलाची ही था, बाद में इसका नाम कराची रखा गया। Bro, we are here at our final stop. Kolachi, Spirit of Karachi. There we go. यहाँ व्यू आउटस्टैंडिंग, रात में तो इसका कुछ अलग ही मंजर था, सो ब्यूटीफुल। खैर, खाना यहाँ से नहीं खाया हमने, इफ़ यू नो यू नो। तो सीधा ब्रेक लगाई द स्टोव क्लब रेस्टोरेंट, लेकिन रास्ते में रहमत श्री से कुछ मीठा भी पकड़ लिया, यू नो ना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। रहमत श्री पे हम खाएंगे क्या, सवैया खा रहे हैं, सवैया और ये चॉकलेट भी है, कोई चॉकलेट होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द सिटी ऑफ लाइट्स। आज मौसम जो है ना ब्रो बड़ा वीआईपी मौसम वाला चल रहा है। ये कराची में हमारा आखिरी दिन है भाई। ये जो काशिफ भाई है ना, हमारे एकदम जज्बात बदल देते हैं, वक्त बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं यार। ये कोई तो वो है कि अचानक ही प्रोग्राम बना लिए, चलो चल रहे हैं वापसी, तैयारी करो, चलो अब निकल रहे हैं। हमारे भाई मिले हैं छोटे से, कुछ कहना चाहते हैं जी। नाम क्या जनाब का? मोहम्मद अवैस भाई, कराची के लौंडे हैं ये। कराची की बस में बारिश में सफर हो रहा है, बहुत सी यादें दिल में समेटे हम चल पड़े। जो कहते हैं ना कराची रोशनों का शहर है, सच कहते हैं, कराची में सब के लिए जगह है। कराची के पूरे सफ़र में दिल में एक डर सा रहा कि कहीं से कुछ भी हो सकता है, बट ओवरऑल कराची वाज माइंड ब्लोइंग। जी हम खड़ा खड़ा खा के आ चुके हैं बैरिया टाउन में, बारिश में आए हैं वैसे, और साथ ही देख के आपको लग रहा होगा कि मैं जादू बना हूँ, लेकिन जो सामने व्यू आ रहा ना सर जी, मैं कहता हूँ लेवल ऑफ बड़ा। तुम भी आना चाहते हैं? कमाल हो गया सर, आप ये जो अली भाई ने सुबह पाए खिलाए थे ना, उसका आजमा करवाने के लिए हमारे बैरिया टाउन ले आए, बहुत बारिश में। बारिश हो रही थी, हम बहुत पस गए हैं, पीछे मस्जिद है, एंट्री बंद है, यू नो। एंड स्पेशल थैंक्स टू आरिज, आशिर और इमदाद भाई, कराची बॉयज, मेहमान नवाजी के लिए। कराची से लोग अपनों में अंदरून, कराची से लोग, ए भाई वीडियो बन ली नज़र नहीं आ रहा। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों के साथ ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई रुक जा भाई, ट्रेन चली जाएगी यहाँ से। कराची से लोग अपनों के साथ अंदरून मुल्क, कराची से लोग अपनों में अंदरून मुल्क, ए भाई ट्रेन चली जाएगी, पहले भी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आ रहा। कराची से लोग
अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरा मैन शिराज के साथ सैयद अब्दुल रफ़ी, सार बुखारी चैनल को सब्सक्राइब करके अल्लाह हाफिज़।